रखता था, वो उनको पढ़ाता लिखाता भी था, उनको विद्वान बनाता था। कई विद्वानों को जिसको आज हम कहते हैं पीएचडी जैसी डिग्री, इस डिग्री तक पहुंचाए जाते थे। बाबा साहब अम्बेडकर जिक्र करते, जहां वो गुलामी का जिक्र करते हैं वो दूसरे देशों का जिक्र करते हैं। और उसकी एक बड़ी मिसाल है कि जब रजिया सुल्तान भारत की सम्राट बनी तो उसने गुलाम अल्तमश को अपना सेनापति बनाया, मगर आर्यों के जो गुलाम वाला पद्धति थी वो पूरी दुनिया में इतनी घिनौनी, इतनी घटिया, अमानवता वाली, क्रूरता वाली थी, उसमें फिक्स कर दिया। पहले सजाएं फिक्स हुई, सजाएं फिक्स हुई कि जो लोग महात्मा रावण के राक्षस दल से थे, जो यज्ञ भंग करते थे, कि यज्ञ भंग करने से परमेश्वर नहीं मिलेगा। और इसका जिक्र तो द्वापर में भी है, द्रौपदी ने यज्ञ किया तो उसको मन की शांति नहीं मिली। सबसे बड़ी मिसाल है महाभारत कि उसने सैकड़ों पंडों को बिठा के हलवा पूरी खिलाई मगर मन की शांति प्राप्त नहीं। और जब परमेश्वर के चरणों में आई, जब परमेश्वर ने उसे पावन योग शिष्ट का ज्ञान दिया, उसे समझाया कि अपने गुस्से पे तुमने कंट्रोल नहीं रखा और अपनी मर्यादा पे कंट्रोल नहीं रखा, बड़े से क्या बात करनी, किन शब्दों का प्रयोग करना है, हमें नित्रेम में आता है, नित्रेम में आता है बार बार, एक जगह आता है कि मधु का अर्थ शहद है दाता, मधु जैसी वाणी, वाणी शब्द हमारे, ये शब्द हमारी जुबान, कहते हैं कि ये जुबान ही आदमी को राज करवा दे, यही जुबान आदमी को गर्क करवा दे, जुबान से होता है। और यही जुबान से निकला हुआ बड़े से बड़ा ज्ञान, अगर आप घटिया तरीके से कहोगे ज्ञान की बात, लोगों से नहीं सुनोगे। साधारण बात को भी अच्छे तरीके से कहोगे, लोगों से सुनेंगे, ग्रहण करेंगे। तो परमेश्वर का वो जो ज्ञान है, परमेश्वर की जो वाणी है, उसको लोगों ने समझा नहीं है तरीके से। तो रामायण के भी इस पक्ष को, जो जहां महामुनि शंभू की बात आती है, उसको लोगों ने समझा नहीं, और यहां तक कि हमने अपनी गुलामी को भी नहीं समझा था, हमने तो गुलामी को भी किस्मत मान लिया था, अपनी किस्मत मान लिया, क्योंकि हमें जो गुलाम बनाया, जिसको मैं कह रहा हूं घिनौना तरीका है, घिनौना तरीका ये कि महात्मा रावण के राक्षस दल से जो लोग यज्ञ भंग करते हुए पकड़े गए, उनको पहले भंगी कहा गया, भंगी का मतलब यज्ञ भंग करने वाला, कूड़ा उठाने वाला नहीं, मगर कूड़ा उठाने की सजा दी गई, बाद में पेशा जुड़ गया। जैसे वो भीषण का अर्थ गद्दार नहीं है, वो भीषण है, विकट है ना, और कोई कई शब्द ऐसे हैं जो मुश्किल परिस्थिति हैं, ये शब्द वही है, उसका अर्थ गद्दार नहीं, और उसके कर्म जुड़े तो वो गद्दार जैसा बन गया। तो आज भी ऐसे ही होता है, बहुत सारे शब्द है जो बन जाते हैं अपने करेक्टर की वजह से, बुरे हो जाते हैं। मगर नियम बना दिया कि जो जिनको जो सजाएं दी हैं, आगे जो उनकी औलाद पैदा होगी वो भी उसी सजा में रहेगी। जो सफाई करते वो सफाई करेंगे, जो मरा हुआ जानवर उठाते वो जानवर उठाएंगे, जो लकड़ी का काम करेगा वो लकड़ी का काम करेगा, जो लोगों के कपड़े धो रहा वो कपड़े धोने का काम ही करेगा। ये सजाएं दे दी गई और लोग उसमें फंस गए, यानी कि उलझ गए, और इतने उलझ गए कि मैं जो कह रहा हूं कि हमने किस्मत मान लिया। और हमारी माएँ तो कहा करती थी बच्चों को भी, पढ़ के कौन सा डीसी बनेगा, जाना तो नगर पालिका ही है। इसको तोड़ा बाबा साहब अम्बेडकर ने भी, महात्मा ज्योतिबा फूले ने भी, और आज आदर्श की लहर इसे तोड़ रही है। आदर्श की लहर जो जमीन से जुड़ी है, गांव गांव गली गली से जुड़ी है, वो इस बात को तोड़ रही है कि जब परमेश्वर ने हाथ पैर बराबर दिए हैं दो, जो हमारे ऊपर राज करते हैं उनके भी दो हाथ पैर, जिन्होंने हमारे देश पे 200 साल राज किया अंग्रेजों ने, उनके भी दो हाथ पैर, अंग्रेजों से पहले जो मुगल थे उनके भी दो हाथ पैर, मेरा जो टीचर होता है उसके भी दो हाथ पैर, तो फिर कहाँ कमी कहाँ ईश्वर ने छोड़ी। हाथ पैर बराबर है, समय भी बराबर है,
सबके पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में सोना, जागना, खाना पीना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, ऑफिस जाना, आके दुख सुख देखना, किसी रिश्तेदारी में शादी है तो वहाँ जाना, कहीं दुख है तो वहाँ जाना, घर की चीज़ें लाना, यानी इसी 24 घंटे में सबके पास बराबर है, एक सेकंड का भी किसी को आगे पीछे नहीं। ये तो आप सुनोगे कि अमेरिका में सूर्य निकलने का समय 10 घंटे आगे पीछे है, मगर 24 घंटे ही हम वहां भी, दिन और रात का मिला के है 24 घंटे। पाकिस्तान के पास भी 24 घंटे, बांग्लादेश के पास, हमारे पास, मगर हम में कुछ लोग आलसी होते हैं, वो कहते थे समय नहीं है। ईश्वर तो समय बराबर दिया, समय है सबके पास। हाँ, जीवन कम छोटा होता है, जीवन समय अलग है, जीवन अलग है। जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय 24 घंटे वो उसमें चलता है। और यही शिक्षा लेके महामुनि शंबूक ने अपना आश्रम कायम किया इन्हीं सिद्धांतों पे। उन्होंने पढ़ाना शुरू किया कि ईश्वर कहते हैं, महामुनि शंबूक पढ़ते हैं कि न चोंच खगों की जैसे घड़े औजार, शंबूक ऐसे साहिब को दो कर नमस्कार। वो कह रहे ईश्वर ने पक्षियों को चोंच ऐसी दी है कि एक तो जमीन से ऊपर से दाना चुग लेता है, एक तिनके हटा के अंदर जो कीड़ा चल रहा वो उसको चूमता है, तो उसकी चोंच थोड़ी लंबी होनी चाहिए। एक और है जो पेड़ के अंदर से निकालता है कीड़ा, उसकी चोंच और लंबी होनी चाहिए। और एक ऐसे भी हैं कि जो हमारे यहाँ अभी सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, औरतें स्वेटर बुनती हैं तो कितनी सिलाइयाँ खर्च होती हैं, 6 सिलाई, 2 पहले चलती हैं, 4 अलग चलती हैं, और 10 उंगलियाँ, 16, यानी 16 कलाई होगी तब एक स्वेटर बनता, वो भी बच्चा पहन के कह रहा है यहाँ से तंग है, यहाँ से तंग है, फिर दोबारा ठीक होता है। मगर एक पक्षी ऐसा जो चोंच से अपना पूरा, एक चोंच से अपना पूरा घोंसला उसको बिनता है, निकालता है, और ऐसे लटकता उसका घोंसला, जिसको आप बिया कहते, बिजड़ा कहते। और उसमें हमारे घरों से अच्छा सिस्टम है, हमारे सबके घरों में पखाने नहीं होते, टॉयलेट नहीं होते, मगर उसका टॉयलेट का भी सिस्टम कि उसका जो गंदगी अंदर नहीं गिरेगी, बाहर गिरेगी एक ही चोंच से। तो ईश्वर की बात को, मिसाल को महामुनि शंबूक ये कहते हैं कि अगर हमें गंदगी उठाने के लिए पैदा किया होता तो जैसे पक्षियों को अलग अलग तरह की चोंच दी है, हाथी को सूंड दिया है वो उसी से पानी पीता है, उसी से पेड़ तोड़ के खाता है, तो फिर हमारा ये हाथ नहीं होना। यहाँ झाड़ू लगा होता, तीले निकलते, पूरी दुनिया को दिखता कि ये पिछले जन्म के पापी है। महामुनि शंबूक यही कहते कि ईश्वर ने तो ये किया नहीं, ईश्वर ने हमें बराबर बनाया है, सबके बराबर एक जैसा बनाया है। जब उसने पक्षपात नहीं किया तो कोई पक्षपात कैसे करे, कोई पक्षपात कैसे करे, वो पक्षपात करना गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मगर जब ये बात आज भी होता है, हमारे बच्चे जब पढ़ने लिखने लगते हैं, आरक्षण की जब बात होती है तो हमारे बच्चे जब पढ़ने लिखने लगते हैं तो हिंदू का बच्चा आग लगा के मरने लगता है। मंडल कमीशन के समय हमने देखा, मंडल कमीशन हालांकि हमारे लिए नहीं था, दलितों के लिए, ओबीसी के लिए था, पिछड़ी जातियों के लिए, ओबीसी के लिए, इसको घुमा दो भाई, क्या मैं फिर आउट के क्यों आए, तो बीच में तोड़वा रहे, वेरी गुड, वह यही से घूमता है, काट दो इसे, आप लोगों को इतना भी समय नहीं आई, अब मुझे उसमें कट ढूंढना पड़ेगा कहाँ लगेगा। नहीं करते, उठते नहीं है, जब वो उठने जाते तो उठना ही चाहिए आप। अरे भाई ऐसे ही घूम जाता है, इसको ढीला करो, छोड़ के नहीं चल रहे, कुछ नहीं है, उतना हम करके ऐसे ही घूमता है, फिनिश कर दो, फिनिश, हाथ जो पीछे चलो, दोबारा शुरू कर, कट लगा।
कट लगा दो, ऑन ऑफ करो। मैं करता छोड़ दो, वो कर लेगा अभी, हार दो पीछे चल गए, ऑफ करो ऑन करो दोबारा, पूरा सब्जेक्ट खराब करता। हमारे मिशन में भी कमी है ये, समझ लो एक बात हमारी, मैंने कल भी कहा था जो आदमी जिस चीज में सक्षम है वो काम करे। हम तभी फेल होते जब हम सारे कामों को हाथ डालते, वो सारा कुछ कहते हैं कि मैं ही करूं, तो नहीं काम चलता। काम बांट के करो, एक दूसरे को दो, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाओ। अच्छा हो गया कि आज ये मिसाल आपको समझ में आ गई। अब मुझे कोई कहेगा ये बिल्डिंग बना, मैं नहीं बना सकता, ये पत्थर भी नहीं बिठा सकता नीचे रखने वाला, मैं नहीं कर सकूंगा। हर आदमी की अपनी अपनी कला होती, शुरू करो उसके दोबारा। जो बोले सो निर्भय, हम बात कर रहे थे कि महामुनि शंभूक ने अपना आश्रम खोला, मगर जब ये बात ब्राह्मणों को पता चली कि महामुनि शंभूक ने ये वाल्मीकि रामायण का एक हिस्सा है, ये जो बात हम कह रहे हैं ये मेरी और आपकी बनाई हुई कहानी नहीं है, और ये कहानी वो भी है जो कोर्ट भी गई है, अदालत भी गई है, इसको चैलेंज भी हुआ, फिर अदालत में वाल्मीकि रामायण को ही पेश किया गया, और वाल्मीकि रामायण को पेश करके वो जीता गया कि ये हम नहीं कह रहे, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की कलम से लिखी हुई बात। मगर इसमें एक बड़ी अद्भुत बात आती है, अजीबो गरीब वो बात ये आती है कि जब ब्राह्मण फंस जाता है इस कथा को लेके, जब हम कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण का हिस्सा है ये, फिर वो कहते कि इसलिए था कि महामुनि शंभूक भक्ति कर रहे थे और पूरा सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे। आज कोई हम में से अमरीका जाना चाहे, इंग्लैंड जाना चाहे, कनाडा जाना चाहे, इसका फैसला कौन करेगा कि हम वहां जा सकते कि नहीं जा सकते, ये वहां की सरकार करेगी, वो हमें वीजा दे या ना दे। अगर हम में कोई कमी है, हमारा कोई रिकॉर्ड खराब है, हमारे मन में अगर कोई खराबी है, हम वहां जाके खराबी कर सकते उस देश में, तो वो वीजा रोक लेंगे। मगर यहां का कोई आदमी टांग फंसाए कि जी ये आदमी अमरीका जाना चाहता पूरे परिवार समेत और मैं इसे रोक रहा हूं, वो जायज है कि नजायज? नजायज होगा ना। महामुनि शंभूक जाना चाहते हैं अगर स्वर्ग, अगर ये सच भी होता तो ईश्वर रोके, अगर वो गलत है, और अगर ठीक है तो ईश्वर से बुलाएं। ये राम क्यों फैसला करेगा या कुछ ब्राह्मण क्यों फैसला करेगा, सवाल यहां है। इस तर्क को याद रखना आप लोग, क्योंकि आगे जब ये सवाल आते हैं आप ये तर्क भूल जाते हैं। तो जब ब्राह्मणों को पता चला तो जैसे मंडल कमीशन की मैं बात कर रहा था, मंडल कमीशन के समय में ब्राह्मणों के बच्चे जल जल के मरने शुरू किए, और उससे पहले भी, उससे पहले गुजरात से एक डॉक्टर चल के आया, डॉक्टर डीडी चंडोला, लुधियाना रेलवे स्टेशन पे आके उसने धरना लगाया, गुजरात से चला, ये गुजरात से ही आते हैं, जब भी आती है एंटी दलित मूवमेंट आती है, एंटी माइनॉरिटी मूवमेंट आती है तो गुजरात से आती है। तो डीडी चंडोला भी गुजरात से आया, डॉक्टर था पेशे से, और लुधियाना रेलवे स्टेशन पे आके धरना लगाया, और मोटो क्या था, बैनर क्या था, आरक्षण बंद करो, आरक्षण बंद करो, हमारे बच्चे मर रहे हैं। और अभी दो तीन दिन हो गए हैं, पता नहीं कल का तो सूचना नहीं मुझे, कल इंडिया जीता के हारा है, बड़ी मुश्किल जीती है, मगर लगातार हार रहा था। बताओ उसमें आरक्षण वाले बच्चे, अगर बांग्लादेश से हार जाए, पाकिस्तान जिसको रोज गाली देते हैं, हमारा हर आदमी धमकाता पाकिस्तान, यहां ऐसे खड़े हो
ना। एक बार मुझे चुटकुला याद है कि एक अमेरिका का आर्मी कह रहा कि हमारे यहाँ पूरा लोकतंत्र है, हम पार्लियामेंट व्हाइट हाउस के बाहर खड़े होके, पार्लियामेंट अलग व्हाइट हाउस राष्ट्रपति का घर, उसके बाहर खड़े होके राष्ट्रपति को गाली दे सकते, यानी मुर्दाबाद कह सकते। तो रूस का आर्मी कह रहा ये स्वतंत्रता तो हमारे यहाँ भी है, हम अपने पार्लियामेंट के सामने या अपने राष्ट्रपति भवन के सामने खड़े होके अमेरिका के राष्ट्रपति को मुर्दाबाद कह सकते हैं। आज भारत भी बिल्कुल वैसा ही है, रोज गाली देते, उससे हार गई टीम, और कितने लोगों ने यज्ञ किए द्रौपदी की तरह, कितने लोगों ने हवन किए, कितनों ने मन्नतें मांगी, कई तो बाल भी कटवा देते। आदमी बालों से हमेशा ही प्यार करता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मगर उसके लिए बाल कटवा देते, हार जाते। तो ये एक, इसको आप ऐसे कहेंगे कि वाल्मीकि रामायण कल भी सच थी आज भी सच है, जिसको गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि राम कथा युगो युगो अटल, ये गुरु गोविंद सिंह के लफ्ज है कि वो हमेशा अटल है। सिर्फ पात्र बदल जाते, नाम बदल जाते हैं, स्थान बदल जाते हैं, मगर उसकी जो घटनाएं हैं वो आज भी घटित होती हैं। आज भी जब हम तरक्की करते हैं तो ब्राह्मण कहता हमारा बच्चा मर रहा है। महामुनि शंभूक के समय भी यही हुआ। और एक बच्चे को बेहोश करके राम के दरबार में पेश किया, ये कहा गया कि राम तुम्हारे राज में धर्म के खिलाफ काम हो रहा है, इसलिए हमारा बच्चा मर गया। राम ने पूछा धर्म के खिलाफ क्या, वो करे जब दलित पढ़ने लिखने लग पड़े तो ये धर्म के खिलाफ है, जब दलित पढ़े लिखेगा तो ये धर्म के खिलाफ काम, तो इसलिए हमारे बच्चे की मृत्यु कर दी। तो उसका एक्शन का, उसका हल क्या है, इसका समाधान क्या किया है? तो राम कह रहा है मैंने तो बचपन से लेके ही जहां ऋषि मुनियों ने कहा वहां मैं चला गया, जिसको कहा मैंने मार दिया, और अब बताओ क्या करना। वो कह रहे अब आपको महामुनि शंभूक को मारना। राम सेना लेके निकला और खोजना शुरू किया महामुनि शंभूक को, खोजा महामुनि शंभूक को, पूरा दिन लग गया, सुबह होने लगी। सुबह जब होने लगी दोबारा तो राम ने कहा कोई नदी देख लो अच्छी, जहां हम स्नान कर ले, सेना तरोताजा हो जाए और दोबारा खोज करेंगे। और नदी के दूसरी तरफ ही एक आश्रम दिखाई दिया, मगर ये दिमाग से निकल गया जैसे आज वाल्मीकि तीर्थ है। और बहुत सोचती होगी कि वाल्मीकि तीर्थ नहीं हो सकता, जिसने हमारी बस्तियां देखी होंगी, हमारी हरकतें देखी होंगी, बस्तियों के अंदर जो वाल्मीकि अनंत है वो देखे होंगे, वो इसको देख के कहेगा कि ये नहीं हो सकता। और वो आपको, जैसे आप बैठे शांत, आपको बैठे देख के भी नहीं कह सकता कि वाल्मीकि होंगे, वो करे वो तो बैठ ही नहीं सकते, उनको तो आदत नहीं है सुनने की, स्कूल में बैठने की आदत नहीं, तो यहाँ कैसे बैठेंगे। उसी आश्रम में चले गए, मगर जब गए पूछा कि ये आश्रम किसका है, तो उन्होंने कहा जी महामुनि शंभूक का आश्रम। अब सुनते ही जैसे होता ना, क्या कहते कहावत है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा है ना, बुरा लगा भी, एक तो शूदर हो, अछूत हो, दलित हो, और ऊपर से इनका इतना खूबसूरत आश्रम। फिर वो अहंकार जाग गया राम का, अहंकार जाग गया, शंभूक को बुलाओ। वो कह रहे जी वो अभी पाठ कर रहे हैं, नित्रेम का पाठ करके फिर अभी आएंगे आप मिले। हंगामा शुरू हुआ, महामुनि शंभूक उठ के आए। आके जैसा हमारे यहाँ परंपरा है, आज भी है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे और आपके रिश्ते कई ऐसे लोगों से होंगे जिनसे रिश्ता है नहीं। कोई ढोलक वाला है, हम उसको सारे मास्टर जी कहते हैं, है ना। कोई तबला बजाता है,
उसको अगर एक आदमी उस्ताद कहता तो हम सारे उस्ताद जी कहते। एकलव्या ने भी ऐसे किया था, जब द्रोणाचार्य एकलव्या को मिलने आया जिसने धक्के मार के निकाला था, अछूत भंगी कह के निकाला था, वही द्रोणाचार्य जब आया तो एकलव्य ने क्या कहा, आओ गुरु जी, ये हमारे परंपरा रही। तो महामुनि शंभूक ने भी वैसे ही स्वागत किया, राजा कह के, राजन कह के संबोधन किया और पूछा बताओ भी हम क्या कर सकते। राम के गुस्सा कि तुम शंभूक हो, हाँ तुम शूद्र हो, तो महामुनि शंभूक के दूर देखने लगे, वो कहे शूद्र क्या होता है, शूद्र क्या होता है, शंभूक तो मेरा नाम रखा मेरे माँ बाप ने, वो है शूद्र क्या होता है। तो वो कह रहे ये इंसानों की जाति है, वो कह रहे मुझे बताओ उसमें भेद क्या है, इंसानों की जातियों में भेद क्या है। अब देखो शेर और चीता, बाघ तेंदुआ एक से लगते हैं मगर फर्क होता है उनके मुंह में, उनकी धारियों में, उनके डॉट्स में फर्क होता है, उसके डील डॉल में भी फर्क होता है। वो कह रहे फर्क क्या है, अगर ना समझना चाहे हम तो जंगली कबूतर पालने वाले कबूतर सेम होते हैं मगर फर्क होता कि नहीं होता, हर आदमी पहचान लेता है। जंगली गायें को और पालने वाली गायें को लोग पहचान लेते हैं, जंगली घोड़े को और जो पालतू घोड़ा उसको पहचानते हैं। महामुनि शंभूक ने बताया, कहा भी बताओ क्या फर्क है, शूद्र होने की निशानी है क्या, तेरे दो हाथ मेरे भी दो हाथ। तो राम अपने और गुस्से में कि नहीं, मेरे वेद शास्त्र कहते हैं, मेरे वेद शास्त्र कहते हैं कि तुम शूद्र हो। तो कह रहे कि तुम्हारे कहते होंगे मगर मेरा ईश्वर नहीं कहता, मेरा ईश्वर कहता है कि सारे बराबर, वो तो कहता है कि शेर बकरी एक घाट पिलाना, वो सबको एक समान मानता है, मेरा सब में जान मांगता है। अब ये संवाद जो है आज आपको वाल्मीकि सम्मान में नहीं मिलेंगे, उसमें नहीं मिलेंगे। तभी मैं हम लोग कहते हैं वो जो नगेश भट्ट ने कहा था एक बड़े रिसर्चर ने कि 100 करोड़ श्लोक था, वो ये चीजें नहीं है उसमें, उसमें से हटाई हुई। कुछ लोगों ने खोजी, चतुर्सेन ने इसके ऊपर खोज की और लोगों ने खोज की, कुछ कुछ लोगों ने कुछ कुछ चीजें निकाली, जैसे जो मेघनाथ की जो कत्ल है उसको भी पूरी तरह से नहीं है वाल्मीकि सम्मान में, मगर चतुर्सेन ने उसके ऊपर अलग से किताब लिखी, सच कर भाष्या भी लिखा, यानी सच कहीं ना कहीं तो बचा रह जाता है। फिर महामुनि शंभूक के साथ जब बहुत तर्क हुए तो महामुनि शंभूक ने कहा अच्छा चलो मुझे आप अछूत कहो या शूद्र, आप क्या है, कह रहे मैं क्षत्रिय हूं। तो कह रहे क्षत्रिय क्या होता है, कह रहे क्षत्रिय वो जो तलवार लेगा, सेना में भर्ती होगा, युद्ध करेगा, राजा बनेगा। तो महामुनि शंभू कह रहे इसमें भी भेद है, क्या सारे क्षत्रिय राजा बनते हैं, कह रहे नहीं। फिर हर क्षत्रिय न्याय कर सकता है, कह रहे नहीं। तो महामुनि शंभू ने कहा कि जब तुम वनवास में थे तुम राजा थे उस वक्त, कह रहे नहीं। तो तुमने किस अधिकार से बाली को मारा, उस वक्त तुम्हारा कौन सा धर्म था, क्या ये भी तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है कि तुम मार सकते हो और वो पेड़ के पीछे छुप के, उस वक्त क्यों नहीं इंसाफ किया। अब ये बातें राम को दुख देने लगी, चिढ़ाने लगी, उन्होंने तलवार खींची एक सैनिक की मारने लगे, मगर फिर आया कि नहीं, अहंकार होता ना अहंकार बहुत बड़ा होता, करे उल्टा बांधो, उल्टा बांधा गया पेड़ से, धीरे धीरे तलवार चलाई इसलिए कि कहीं आदमी माफी मांग, मेरा अहंकार और बड़ा हो गया, माफी भी मांग ले मैं इसको मार भी दूं। मगर जो सच्चा होता है, सच के लिए लड़ता है, चाहे वो सुकरात हो चाहे वो महामुनि शंभू हो चाहे वो सद्दाम ही क्यों ना हो, वो जान देने से नहीं डरता। भगत सिंह की हम बात बार बार सुनते हैं,
भगत सिंह के पिता ने जब अपील डाली माफी की तो भगत सिंह नाराज हुए थे अपने पिता के साथ, ये इतिहास में लिखा हुआ। वो अपने पिता को कह दिया था कि आप मिलने मत आना मुझे, मैं आपका सामना नहीं कर पाऊंगा, मैं अदब नहीं रख पाऊंगा क्योंकि आप मेरी शहादत को आपने खत्म कर दिया। मेरी लड़ाई जिंदा रहना थोड़ी है, मेरी लड़ाई एक स्वाभिमान की लड़ाई, और आपने माफी की एप्लीकेशन क्यों लगाई। और यहां एक लाइन और जोड़ दूं, आज जितने आरएसएस बीजेपी के बड़े नेता पुराने वो सारे माफी मांग मांग के छूटते रहे, और एक बार नहीं कई बार माफिया मांगते थे, कई बार माफिया मांग मांग छूटते थे, मगर भगत सिंह ने कहा मैं नहीं। और यही महामुनि शंभू। और उस वक्त एक घटना और घटित हुई, उनकी पत्नी पास खड़ी थी मां तुंगभद्रा, देख रही थी। अब जहां राजा उसकी सेना एक आदमी को उल्टा लटका के, और वो भी पाठशाला में जहां सारे लोग निहत्थे हो जिनके पास कोई हथियार नहीं है और जिनका उद्देश्य भी लड़ना नहीं है, जिनका उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है। क्यों ज्ञान प्राप्त करना, क्यों हथियार क्यों नहीं, ये भी एक सवाल रहेगा। उसका जवाब सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान देते हैं कि तप दान और तीरथ से आपकी मुक्ति नहीं होगी, आपकी मुक्ति ज्ञान से होगी। हथियारों से मुक्ति नहीं होती, हथियारों से मुक्ति होनी होती तो पाकिस्तान ने भी एटम बम बना लिया, मगर आज भी वो हमारे मुकाबले में नहीं आ पाया। मुकाबला तो होता है कि किसकी जनता कितनी खुशहाल है, असली मुकाबला तो ये होता है। हमारा बच्चा इंग्लैंड अमेरिका कनेडा क्यों जाना चाहता है, क्योंकि वहां उसे खुशहाली नजर आती है, आजादी नजर आती है। तो वो आजादी पाकिस्तान के ना नागरिकों को है, ना खुशहाली है, समृद्धि है। हथियारों पर पैसा खर्च करने से खुशहाली नहीं आती। तो महामुनि शंभू का आश्रम ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में, ज्ञान के लिए। तो महामुनि शंभू के इस सवालों पे चिड़के जब उसकी गर्दन काटी जा रही थी तो माँ तुंगभद्रा रो रही थी जैसे कि एक औरत अपने पति को देख के, जो उसकी बेबसी तो यही कर सकती है। और औरत ही नहीं, कोई दूसरा रिश्ता भी हो, भाई का हो, बाप का हो, वो भी ऐसे, उसका भी यही हालत होगी। मगर जब महामुनि शंभू की नजर पड़ी अपनी पत्नी पर तो उन्होंने इशारे से उसे मना किया, समझाया, ऐसे इशारा किया आंखों का कि रो ना, क्यों, अगर तू रोएगी तो ये जो बच्चे आए मेरे पास पढ़ने, इनकी तो माएं हैं, बड़ी हिम्मत हौसले से भेजा, इनकी माओं को भी पता है कि अछूत जो है, दलित जो है, वो पढ़ लिख नहीं सकता, पढ़ेगा तो उसे सजा मिलेगी, मगर इनकी माओ ने भी हिम्मत करके भेजा, हौसला करके भेजा। और तुम उस उनकी माओ का हौसला गिरा दो, ये ना। तो उस माँ ने क्या कहा, ये वाल्मीकि सम्मान के उन्हीं पृष्ठों में है जिनको पढ़ा नहीं जाता, और उसी उन्हीं पृष्ठों के कारण तुलसी की, कश्मीरी पंडितों की, साउथ के कंब ब्राह्मणों की, कई तरह की 300 तरह की रामायण बना के अलग अलग मंदिरों में स्थापित की हुई है। और आज वही, जब हम आसमानी झंडे की बात करते हैं, जब हम जय वाल्मीकि बोलने की बात करते हैं, परमेश्वर को सृष्टिकर्ता कहने की बात करते हैं, तो आज वही हिंदू पंडितों को, संतों को खिज आती है, उनको चिढ़ आती है, और वो वीडियो जारी करते हैं इसके लिए, और परमात्मा को कहते हैं कि अब वो उसको महर्षि कह के, हाँ कहीं कहीं भगवान कह के भी संबोधन करते, जो और जिनकी वाल्मीकि सम्मान को मंदिरों में नहीं रखा जिन्होंने, आज उनको लग रहा है कि एक बड़ी गिनती हमारे यहाँ से जा रही है। इसलिए हमारे पढ़ने लिखने पे पाबंदी थी कि जिस दिन ये पढ़े लिखेंगे तो ये अपने धर्म को भी पहचानने लगे, इनको अपना धर्म समझ में आएगा, अपनी बात समझ में आएगा। उस दिन समझ में आएगा
तो ये मुक्ति की बात भी करेंगे, और मुक्ति की बात ना करें इसलिए इनको ज्ञान नहीं प्राप्त करने दिया। मगर माँ तुंगभद्रा ने क्या जवाब दिया? माँ तुंगभद्रा कह रही कि मैं इसलिए नहीं रो रही कि आपको उल्टा लटकाया गया है। मनुस्मृति में तो इससे भी बुरी बुरी चीजें लिखी है। मैं इसलिए भी नहीं रो रही कि आपकी गर्दन पे तलवार चलाई जा रही, ये होना ही था। मैं इसलिए भी नहीं रो रही कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, आदमी ने मरना ही है हर हालत में। आज नहीं मरोगे तो बूढ़े होके मर जाओगे, बीमार होके मर जाओगे, मृत्यु तो आनी आनी जीवन में। मैं तो इसलिए रो रही हूं कि आपकी मृत्यु से पहले, आपके प्राण निकलने से पहले, आपकी पत्नी की आंखों के आंसू सूख जाए। क्यों? क्योंकि आंखों के आंसू चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, यही कमजोरी होती है, आंख का आंसू। हम कहते हैं कि औरत की आंख के आंसू ना, आदमी भी बराबर है। आदमी अपना थोड़ा सा अहंकार कर लेता है, उस अहंकार की वजह से वो आंख में आंसू नहीं आने देता। और औरतें तो अहंकार नहीं पालती, वो जैसी जिस स्थिति में है वैसे ही कर लेती हैं। और यही जवाब दिया माँ तुंगभद्रा ने कि मैं अपनी आंख के आंसू आपके प्राण निकलने से पहले सुखा देना चाहती हूँ, ताकि जब आपकी मृत्यु हो, आप प्राण त्यागें, तो आप निश्चिंत हो कि अब आपकी पत्नी कमजोर नहीं रहे। उसने अपने आंसुओं को, अपनी कमजोरी को सुखा दिया कदम कर। क्यों? क्योंकि आपका छोड़ा हुआ काम मैंने पूरा, ये आपकी पाठशाला मैं चला। फिर वही महामुनि शंभुक, जैसे परमेश्वर का पहला श्लोक है, मां निषाद प्रतिष्ठा तवं गमा शाश्वती समा यत क्रोध मिथना देह काम बली काम। क्या है श्लोक का अर्थ? क्या है कि हे विष्णु, तुमने जैसे क्रौंच पक्षी को जुदाई का दुख दिया, तुम्हें भी यही दुख भोगना पड़ेगा। तो परमेश्वर का विधान दोबारा फिर चालू हुआ, दोबारा शुरू होता है। महामुनि शंभूक की जब हत्या की जाती है, जब उनका कत्ल किया जाता है, तो परमेश्वर का विधान दोबारा शुरू होता है। और जब माँ सीता यहाँ आके रही, यही इसी पावन वाल्मीकि तीर्थ पे यहाँ आके जब रही, ये जो इमारत हमें दिखाई देती है सफेद रंग की, जब यहाँ आके माँ सीता रही, तो परमेश्वर ने एक बहाने से, हमारे बुजुर्ग तो बड़े भोले होते थे, वो कह रहे वो सीता अपने बच्चे को उठा के लेगी, परमेश्वर को पता नहीं चला। भाई तुम ही कहते हो अजर अमर त्रिकालदर्शी, जो त्रिकालदर्शी उसे पता कैसे नहीं चला? उसे पता था, मगर उसने करना था। कत्ल किया जो राम ने, शंभूक मुनि विधवा काखों में परमात्मा डाल दिए वो प्राण। यही पे परमेश्वर ने वो बहाना बनाया, माँ सीता को कहा कि मुझे नहीं पता तुम कब ले गई, इसलिए ये दूसरा आ गया भारत। तो जो इच्छा तुम्हारी इतने सालों से नहीं पूर्ण हुई थी, वो अब दो दो बालकों के साथ, और इसलिए भी कि ये बच्चा अकेला यहाँ किसके साथ खेलेगा, संतों में साथ साथ इसका बचपन, क्योंकि बचपन बचपन है, बचपन ही नहीं, हम जिस उम्र में होते हैं हमें उसी उम्र में आनंद आता है लोगों के साथ बात। और इसके साथ एक बात और जोड़ लो मेरी कौन, हम जिस मानसिकता के होते हैं, जितनी हमारी पढ़ाई लिखाई होती है, हमारा आनंद उन्हीं के साथ बात करने में आता है कि सामने वाला तभी आनंद आता है। हमारा अहंकार हो कि हमें अंधों में काना राजा बनना है, फिर चाहे हम कहें कि अनपढ़ बिठा दो और मैं उनके सामने राजा बन जाऊं, मगर आनंद नहीं आता। परमेश्वर ने सृष्टिकर्ता वाल्मीकि
जिनको हम कहते हैं इच्छा पूर्ति शक्तियां, कुछ लव को दयावान, फिर वो यही जमीन यही भूमि जहां कुछ बना के प्रभाव सीता की गोद में डाला, और राम ने जब घोड़ा छोड़ा इसी राम और उसका परिवार मृत्यु को प्राप्त हुआ, और माँ सीता की पुकार पे माँ सीता की प्रार्थना पे परमेश्वर ने अमृत वर्षा की, उनको पुनर्जन्म दिया, दोबारा जन्म दिया, और उस दोबारा जन्म के बाद राम को फिर परमेश्वर ने मानसिक ज्ञान भी दिया, शांति भी दी। यज्ञ नहीं होता, यज्ञ से नहीं मिलती, यहीं पे योग शिष्ट का एक हिस्सा परमेश्वर ने यहां कहा, राम को कहा कि तुम हमेशा बचपन से लेकर युद्ध ही लड़ते आ रहे हो, तुम युद्ध के अलावा क्यों कुछ नहीं सोचते, जिसको कहते हैं गुरु गोविंद सिंह कि मन जीत, तलवार से नहीं जीता जाता, सब मनो से भी जीता, अपने व्यवहार से भी जमीन पे। तो आज हम पावन वाल्मीकि तीर्थ पे हो रहा है, 4 तारीख है किशोरिया माँ की, और आज वो दिन है कि आज से 4 दिन पहले यानी 1 किशोरिया को महामुनि शंभू की निर्मम हत्या की गई थी, और जब 4 दिन बाद राम अयोध्या वापस आए थे तब वो उन्होंने अपने घरों में अपने राज्य में दीपमाला इसलिए की थी, राम के वापसी की नहीं, दीपमाला, दीपमाला का अर्थ था कि हमने दैत्यों का, दानवों का, राक्षसों का, जो भी नाम थे हमारे, अछूतों का, हमने उनका जो चिराग था, कौन सा चिराग था हमारा, महामुनि शंभूक, हमने उनका चिराग, टीचर चिराग होता है गुरु, जो हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाए, हमने उनका चिराग बुझा दिया और हमारे चिराग अब जगमगाए, ये एक उनकी सोच हमेशा रही। तब वो दिवाली नहीं मनाएंगे, तो दिवाली, दिवाली की रात अंधेरी रात होती है, कोई त्यौहार अंधेरी रात को आता है दिवाली को छोड़ के, सारे पूर्णमासी को आते हैं जब पूर्ण चंद्रमा होता है, कबीर साहब का दिन हो, रविदास जी का हो, वाल्मीकि प्रगट दिवस हो, वाल्मीकि विजय दिवस हो, सारे के सारे पूर्णमासी में। और राम जो हमेशा पंडितों से संतों से घिरा रहता था, वो अगर घर वापस आता तो अंधेरी रात में कौन कहता उसे घर आ, वो तो कहते कि रुक जा मुहूर्त निकालेंगे, वो तो उनका बस नहीं चलता, मरने का मुहूर्त भी निकाल ले, बस नहीं चल रहा बेचारों का, जन्म का मुहूर्त भी निकाल लें, और ये पखंडा कोई मुहूर्त नहीं होता। परमेश्वर क्या कहते, जब भारद्वाज ने पूछा सर्वोत्तम दिन, परमेश्वर ने क्या जवाब दिया, आज, वो कह रहे जिस दिन सोचो वही अच्छा दिन। तो आज, आज स्वाभाविक और अच्छा दिन है कि आज 4 किशोरिया है, 4 तारीख है, और जिस दिन हमारा चिराग बुझाया गया था, आज हम अपने चिराग को रोशन करने की बात दोबारा करने में सक्षम हुए हैं, और जैसा महामुनि शंभूक ने आश्रम कायम किया था उतना ही खूबसूरत हम वाल्मीकि तीर्थ को बनाने में कामयाब हुए हैं। जय वाल्मीकि।